नाउ दिस इज सेट नंबर टू। अब इसके पहले में मैंने जो अप्रोच शेयर किया है वो यूनिवर्सल है, वो दोनों अप्रोच जो है उनमें से आप यूज अगर आप उसको प्रॉपरली करते हो कौन सा कब लगाना है तो हो जाएगा करके। अब ये सेट देखो सिमिलर उस सेट जैसा ही है, तो आप सिमिलरली फिर से वही अप्रोच लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। पर मैंने आपको बोला था कि उसके प्रीवियस लेक्चर से मैंने आपको क्या बताया था, कुछ चीजें बताई थी, अगर वो टाइप के स्टेटमेंट आए तो आपका काम क्या होता है आसान, तो आपको हर एक सॉल्यूशन को ट्राई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अब आप पहले देखो 3 पर्सन राजू श्याम एंड बाबू, वन ऑफ देम इज अ डॉक्टर, वन इज अ पेंटर एंड वन इज अ सिंगर। व्हेन आस्क्ड हु आर यू दे रिप्लाई विद अ 3 स्टेटमेंट ईच। उन्होंने क्या बोला राजू ने, आई एम अ डॉक्टर, श्याम इज अ पेंटर, ओके आई एम एन ऑल्टरनेटर। श्याम ने क्या कहा, बाबू इज अ सिंगर, राजू इज नॉट अ डॉक्टर, आई एम अ लायर। बाबू ने क्या कहा, आई एम नॉट अ पेंटर, श्याम इज नॉट अ पेंटर, राजू इज अ लायर। अब लोग क्या करते हैं स्टेटमेंट को जब पढ़ते हैं ना सिर्फ एज अ प्लेन पढ़ रहे हैं, सोच नहीं रहे कि ये कुछ बोला गया है, कुछ चीजें मुझे बताई गई है, क्या उनमें से कुछ बोला गया है यहां पे। अब देखिए अगर मैं चाहूं तो फिर से आंसर अज्यूम करूंगा 6 पॉसिबल केसेस, हर एक को ट्राई करूंगा आ जाएगा। सेकंड वे इज ट्रूथ टेलर, अज्यूम करके चलूंगा एक एक को एक एक बार, जब मेरा आंसर आएगा तो आ जाएगा करके। आप वो दोनों अप्रोच पहले ट्राई करके देखिएगा, आपका आंसर बनेगा उसमें कोई इश्यू नहीं है। पर अगर मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई है इसके पहले वाले वीडियोस में, अगर वो आपको याद है आपने समराइज किया होगा तो थिंक ऑफ इट, आई एम अ लायर, ये स्टेटमेंट आपको याद है आई एम अ लायर, ये कौन बोल सकता है, ये मैंने आपको बताया था। सोचिए आई एम अ लायर, झूठा आदमी खुद को लायर बोलेगा नहीं, क्या सच्चा आदमी खुद को लायर बोलेगा नहीं। सो दिस स्टेटमेंट कैन ओनली बी सेड बाय ऑल्टरनेटर, तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि यह आदमी क्या है, ऑल्टरनेटर है। और मैंने क्या कहा था, अगर ऑल्टरनेटर खुद को आई एम अ लायर बोलेगा, आप सोचो अगर आप ऑल्टरनेटर हो और अगर आप लोगों को बताओगे आई एम अ लायर तो यह स्टेटमेंट क्या होगा, ऑल्टरनेटर अगर ऐसा बोले तो आप क्या बोलोगे, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आपको पता है ऑल्टरनेटर ये लोग डिफाइन करते हैं, जब जगह कम होने के कारण मैंने नहीं किया, ऑल्टरनेटर आर द वन हु ऑल्टरनेट बिटवीन ट्रूथ एंड लाइज इन एनी ऑर्डर, सच झूठ ऐसे बोलेंगे, एक बार सच, एक स्टेटमेंट सच, उसके बाद झूठ, फिर सच, इस तरीके से। अब अगर ये झूठ है तो अगर ऑल्टरनेट होना चाहिए, एक झूठ बोल दिया तो इसके पहले उसको सच बोलना चाहिए था, अगर ये सच बोल दिया उसके पहले झूठ बोलना चाहिए, झूठ सच झूठ। अगर ये स्टेटमेंट अगर सच होता था, होगा नहीं पर मैं बता रहा हूं, तो अगर आपको ये स्टेटमेंट ट्रू है पता चलता तो आप क्या करते थे, उसके बाद फॉल्स, उसके पहले फॉल्स, फॉल्स के पहले ट्रू, फिर फॉल्स, इस तरीके से पैटर्न लिखना है, हो गया। अब देखो डायरेक्टली आपको ऑल्टरनेटर मिल गया, अगर इस तरीके के सेंटेंसेस आ जाए तो आपका काम आसान होगा। जब भी आप नोट सॉल्व करो ये इन चीजों पे फोकस करना शुरू करने के लिए आपको एक अच्छा अप्रोच मिलेगा। अजम्पशन आप सीक्वेंस से करते हो ट्रूथ टेलर को, अगर वो सेकंड अप्रोच अगर मान लिया जाए, दो अप्रोच जो मैंने बताए थे, तो अगर सीक्वेंस से करना है तो अगर हमको कुछ मिल जाता है स्पेसिफिक कोई आदमी तो आपका काम आसान हो जाएगा, यही है। अब देखो आपको अज्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको ऑल्टरनेटर डायरेक्ट मिल गया। अब ऑल्टरनेटर मिल गया तो उनके बातों से डेटा एक्सट्रैक्ट करो, देखो अजम्पशन करने की जरूरत नहीं पड़ी पर क्या डेटा आपको क्या मिला, सुनिए बाबू इज अ सिंगर, इट्स अ फॉल्स। अगर मुझे बताओ, अगर मैं बोलता हूं बाबू इज अ सिंगर फॉल्स, अगर कोई भी चीज फॉल्स है तो आप उसका ट्रूथ कैसे बनाओगे, निगेशन लेके। देखो निगेशन क्या बनेगा इसका, बाबू इज अ सिंगर ये झूठ है, ओके झूठ है, तो इस तरीके से निगेशन का साइन दिया जाता है, बाबू इज अ सिंगर, तो निगेशन क्या होगा, बाबू इज नॉट अ सिंगर। ये आपको समझना है, कुछ लोगों को ये थोड़ा समझने में तकलीफ जाती है इसलिए मैंने थोड़ा सा लिख दिया ये ऐसे, बाबू इज अ सिंगर सो बाबू इज नॉट अ सिंगर, तो ये पक्का है कि बाबू सिंगर नहीं है। ये ट्रू है, राजू इज नॉट अ डॉक्टर, राजू इज नॉट अ डॉक्टर, ये ट्रू है, तो ट्रू है तो वैसे का वैसे लिखना पड़ेगा। ये क्या हुआ आपको, दो स्टेटमेंट का डेटा एक्सट्रैक्ट हो गया आपको। अब आप क्या करोगे, जो डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है बाकी लोगों के सेंटेंस उसके साथ चेक करोगे, अगर मैच हुआ तो ट्रू बोलोगे, मैच नहीं हुआ तो झूठ बोलोगे। अब देखो राजू ने क्या कहा, आई एम अ डॉक्टर,
पर हमको पता है सच क्या है, राजू इज नॉट अ डॉक्टर, ये ट्रू है, राजू इज नॉट डॉक्टर, तो इसने हमें क्या बोला, आई एम अ डॉक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। अब मुझे एक बात पता है, एक ऑल्टरनेटर है, एक ट्रूथ टेलर है, एक लायर है, ऑल्टरनेटर आपका खत्म हो चुका है, तो या तो इधर आपको ये सच बोलने वाला आदमी चाहिए था या झूठ बोलने वाला, अगर एक भी स्टेटमेंट झूठ है तो सारे ही झूठ होंगे, क्योंकि ऑल्टरनेटर खत्म हो चुका है, फॉल्स टू फॉल्स वाला, तो अब बचा कौन है हमारे पास, एक लायर एंड एक ट्रूथ टेलर, तो ट्रूथ टेलर कभी लाइव झूठ बोलेगा ही नहीं, तो अगर इसने एक स्टेटमेंट भी झूठ बोला मतलब सारे स्टेटमेंट झूठ बोल रहा है, तो इट्स अ फॉल्स, इट्स अ फॉल्स, ये वैसे भी फॉल्स है, आई एम एन ऑल्टरनेटर, क्योंकि ऑल्टरनेटर तो ये है, तो फॉल्स फॉल्स। अब अगर ये फॉल्स है, श्याम इज अ पेंटर, तो इससे अगेन आपको क्या डेटा मिला, श्याम इज नॉट अ पेंटर। देखो सवाल कितना आसान हो गया, एक अगर ये समझ में आ गया पकड़ना तो आसानी से सवाल सॉल्व हो जाता है। श्याम इज अ पेंटर का क्या मिलेगा, श्याम इज अ पेंटर ये फॉल्स है, तो उसका निगेशन कीजिए, निगेशन क्या होगा, नॉट लगा देना, श्याम इज नॉट अ पेंटर, ओके, श्याम इज नॉट अ पेंटर। अब ये मिल गया, अब तीसरे के स्टेटमेंट क्या होने वाले, तीनों सच होने वाले, इसको मैंने पहले लेना चाहिए था, पर अगर आई होप दिख रहा है, यस, तो श्याम इज अ पेंटर, तो अब इसके तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाने चाहिए, ट्रू, राजू इज अ लायर, हाँ बराबर है, श्याम इज नॉट अ पेंटर, यस श्याम इज नॉट अ पेंटर, आई एम नॉट अ पेंटर। अब बाबू क्या कह रहा है, आई एम नॉट अ पेंटर, देखो पहले पता चल चुका है बाबू इज नॉट अ सिंगर, बाबू इज ऑल्सो नॉट अ पेंटर। अब सोचो अगर बाबू सिंगर नहीं है, बाबू पेंटर नहीं है, तो फिर बाबू क्या होगा, बाबू हो गए हमारे डॉक्टर, क्योंकि अगर आप सिंगर नहीं हो, पेंटर नहीं, तो फिर आप क्या होंगे, आप डॉक्टर होंगे। अब सोचिए राजू इज नॉट अ डॉक्टर, ठीक है, अब श्याम इज नॉट अ पेंटर, अब सोचो अगर श्याम पेंटर नहीं है तो फिर राजू को पेंटर बनना पड़ेगा। देखो बाबू तो डॉक्टर बन चुका है, अब अगर श्याम पेंटर नहीं है तो फिर पेंटर तो राजू को बनना पड़ेगा, क्योंकि एक ही नाम बचा है, तो फिर श्याम कौन होगा, बचा हुआ सिंगर। आंसर हो गया जल्दी सॉल्व। अब आप देखो सवाल क्या है, हु इज अ लायर, आप बता सकते हो दैट राजू इज अ लायर, राजू हमेशा लायर ही है। देखो क्वेश्चन इस तरीके से लिया गया, जैसे अगर आपने हेरा फेरी देखा होगा, सो राजू श्याम एंड बाबू भैया, तो काइंड ऑफ दोस क्वेश्चंस लिए गए, राजू इज अ लायर दैट एवरीवन नोस, तुमको बता रहा हूं। इसके पहले वाले सवाल में रामानुजन टीचेस मैथमेटिक्स, आइंस्टाइन टीचेस फिजिक्स, काइंड ऑफ दैट वन, ओके, दो टेस्ला केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते हैं बट स्टिल उनको सब कुछ आता है। सो हु इज अ डॉक्टर, डॉक्टर कौन है यहाँ पे, सो डॉक्टर है बाबू। हु इज अ पेंटर, ये भी आप बता सकते हो, राजू, ओके। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर फॉल्स, अब ये पूछने का तरीका क्या हुआ, देखो एक आदमी झूठ बोलेगा तो तीन झूठ तो हो जाएंगे, पर यहाँ पे जो अल्टरनेट होने वाला है वो हमें नहीं पता था, दो फॉल्स एक ट्रू हो सकता है, या अगर पहला सच होता था देन सेकंड फॉल्स थर्ड ट्रू होता था, अगर ऐसा सिचुएशन आता था तो हमारे नंबर ऑफ स्टेटमेंट एक कम आ जाते थे फॉल्स वाले, अब यहाँ पे क्या है, दो एंड तीन पांच, तो पांच स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आई होप आइडिया क्लियर है। अब मैं आगे में और एक क्वेश्चन लेता हूं, एक से दो सेट कवर करूंगा जिनमें थोड़ा थोड़ा लिटिल बिट लेवल बढ़ाते जाऊंगा और आइडिया और आपको कन्वे करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।